वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं रीपर सॉफ्टवेयर के बारे में। रीपर के बारे में यह 6th वीडियो है। इससे पहले रीपर पार्ट 1 से लेकर रीपर पार्ट 5 तक वीडियोस बन चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने भी इन वीडियोस को नहीं देखा है वे इसी चैनल पर जाकर अवश्य देखें। रीपर पार्ट 5 में हमने सीखा रीपर में कुछ बेसिक नेविगेशन की। इसके अतिरिक्त रीपर के कुछ शॉर्टकट कीज। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रीपर पार्ट 6, जिसमें हम जानेंगे बेसिक ऑडियो एडिटिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ। यहाँ पर मैं R प्रेस करूँगा रीपर के लिए। R रीपर X64 1642। एंटर प्रेस करूंगा रीपर को ओपन करने के लिए। रीपर इनिशियलाइजिंग। रीपर V6.79 रजिस्टर्ड टू अमित कमर्शियल लाइसेंस ट्रैक व्यू। अब एक ट्रैक बना लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रैक के संबंध में बात की थी डिटेल में। तो कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। ट्रैक नेम एडिट लैंड। यहां पर मैं कुछ नाम लिख देता हूं ट्रैक का। R-E-C-O-R-T-I-N-G। एंटर प्रेस करूंगा। पेन। अब सबसे पहले मैं शुरुआत वहां से करूंगा जहां पे पिछले वीडियो में हमने बात खत्म की थी। पिछले वीडियो में हम रीपर में कुछ शॉर्टकट कीज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी एक दो शॉर्टकट मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा। अभी मेरे जहन में दो और शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए हैं। मैंने आप सबको बताया था कि किसी भी ट्रैक के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए हम कंट्रोल होम का यूज करते हैं। तो हम कंट्रोल होम के बजाय W की भी प्रेस कर सकते हैं, है ना। W की से भी हम किसी भी ट्रैक के बिल्कुल टॉप पर जा सकते हैं। इसी प्रकार एक और शॉर्टकट की मैंने बताया था आप सबको, वॉल्यूम किसी भी ट्रैक का वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के लिए हम ऑल्ट के साथ डाउन एरो या अप एरो प्रेस करते हैं, ठीक है। हम जब ऑल्ट के साथ शिफ्ट यूज करेंगे
यानी ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से वॉल्यूम कम और ऑल्ट शिफ्ट अप एरो से वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तब वॉल्यूम जो है ट्रैक का वो ज़्यादा कम या ज़्यादा एक साथ बढ़ेगा या घटेगा, है ना। यानी जब हम सिर्फ ऑल्ट के साथ अप एरो या डाउन एरो प्रेस करते हैं तो किसी भी ट्रैक का वॉल्यूम बहुत कम कम मात्रा में ज़्यादा या कम होता है। तो आपको जैसी आवश्यकता हो आप अपने आवश्यकता अनुसार दोनों में से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहूँगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो ट्रैक शो होता है और जो ऑडियो को मापने का एक पैमाना तय किया गया है रीपर में, वो बार में और बीट्स में है, है ना। तो यदि आप चाहें कि आपका ऑडियो मिनट में, सेकंड में, आवर में शो हो, तो उसके लिए भी विकल्प है रीपर में। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं एक बार आपको वो ऑप्शन दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे जाके वो सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू मेन्यू में जाना होगा। व्यू मेन्यू में जाने के लिए हम शॉर्टकट की ऑल्ट वी का भी यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग वैसे भी जा सकते हैं। हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, फाइल सब मेन्यू ऑल्ट प्लस एफ, यहां पर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, एडिट सब मेन्यू ऑल्ट प्लस ई, व्यू सब मेन्यू ऑल्ट प्लस वी, राइट एरो प्रेस करके व्यू सब मेन्यू में हम आ चुके हैं। यहां पे एक बार डाउन एरो में प्रेस करूंगा, मास्टर ट्रैक सी टी आर एल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एमएम, और अब मैं अप एरो प्रेस करूंगा ताकि जो ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो जल्दी मिल जाए। मैं अप एरो प्रेस करूंगा, Full screen F11 checked F. Always on top A. Go to submenu G. Zoom submenu Z. Time unit for ruler submenu T. Time unit for ruler submenu. यहाँ पे हम right arrow press करेंगे. Minutes colon seconds M. अगर आप चाहते हैं कि आपका audio minutes and second में show हो तो इस पे आप check करेंगे, यानी enter press करेंगे. Measures dot beats checked M. Measure beats इस पे already check है, यानी यही ऑप्शन अभी सिलेक्टेड है। मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, कुछ और भी ऑप्शन शो होंगे। Measures dot beats, minimal m, seconds s, samples s, hours colon minutes colon seconds colon frames h, absolute frames a, secondary time unit submenu s, minutes colon seconds m। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना। आप सिर्फ सेकंड्स में दिखाना चाहते हैं या मिनट सेकंड आवर में दिखाना चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी चूंकि मैं जो रीपर का बाय डिफ़ॉल्ट जो एक यूनिट बना हुआ है, जो एक पैरामीटर बना हुआ है बीट एंड बार का, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे स्केप की प्रेस करता हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी ऑडियो एडिटिंग के संबंध में बताने से पहले, ताकि आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम ऑडियो एडिटिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे। उससे पूर्व हमें कुछ रिकॉर्ड करना होगा, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम आइए चलते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए
हम सबसे पहले एक बार ये चेक कर लेंगे कि हमारा कर्सर ट्रैक के बिल्कुल टॉप पे है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे W प्रेस करूँगा, आप कंट्रोल होम भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ। 0% 0% पे हमारा कर्सर है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी 0% पे रहता तो कुछ नहीं अनाउंस करता, क्योंकि ये कर्सर बीच में कहीं पे था इसलिए इसने अनाउंस कर दिया है। सो एक बार मैं B2 B1। सो देखिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें सबसे पहले F7 की प्रेस करना होता है। F7 की से क्या होता है, मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया है कि F7 की से आर्म्ड होता है, जो कि रिकॉर्डिंग करने से पहले करना ही होता है ना। मैंने आप सबको अडोबी ऑडिशन के वीडियो में भी बताया था कि उसमें एक ऑप्शन होता है आर्म ऑफ एंड आर्म ऑन का, तो हमें रिकॉर्डिंग करने से पहले वहाँ पे हम आर्म ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आर्म्ड एंड अनआर्म्ड है, यानी F7 की जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो आर्म्ड होगा, और जब दोबारा प्रेस करेंगे तो अनआर्म्ड होगा। तो जब आर्म्ड होगा तब हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब अनआर्म्ड होगा तो रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। रिपर में हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आप F7 की प्रेस करेंगे, आपके पास जो भी माइक्रोफोन होगा, चाहे आपके हेडफोन का हो, चाहे आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे होंगे, चाहे आपने एक्सटर्नल माइक कोई कनेक्ट किया होगा, तो उसका मॉनिटर ऑन हो जाता है, ठीक है। यानी आपकी आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। तो उसके लिए भी हम जानेंगे कि उसके लिए क्या करना होता है। मैं एक बार F7 की प्रेस करता हूँ। Armed। जैसे ही मैंने F7 की प्रेस किया, आपने सुना Armed। मैंने F7 की दोबारा प्रेस किया, आपने सुना Unarmed, ठीक है। तो हमें माइक की आवाज हमें सुननी है या नहीं, यानी हमें अपनी आवाज सुननी है या नहीं, इसके लिए ये तो आपको ही तय करना होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप मॉनिटरिंग करते रहें, यानी आपकी आवाज आपको कैसी सुनाई दे रही है ये आपको पता चले, तो तब तो मॉनिटर को ऑन रहने देंगे। और यदि नहीं चाहते हैं तो F8 की से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीन मोड आते हैं। तीन मोड कौन कौन से आते हैं मैं आपको F8 की प्रेस करके दिखा रहा हूँ। Not when playing, यानी जब कोई ऑडियो प्ले होगा तब मॉनिटर ऑन नहीं होगा, ठीक है। यानी आपकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी माइक्रोफोन से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोफोन की बात चल रही है। अब मैं फिर से F8 की प्रेस करता हूँ। रिकॉर्ड मॉनिटर ऑफ हो गया, जिससे कि आप चाहे आपने ऑन कर दिया हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या किसी भी सिचुएशन में हो, कोई ऑडियो प्ले हो रही हो, किसी भी सिचुएशन में आपको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी माइक के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर ऑफ हो चुका है। मैं एक बार और F8 की प्रेस करता हूँ। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल पे ही रहता है, जिससे कि जैसे ही आप F7 की प्रेस करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए तो मॉनिटर ऑन हो जाता है, जिससे कि हमेशा आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं तो हमेशा माइक को ऑफ रखना पसंद करता हूँ।
यानी मेरी आवाज़ मुझे सुनाई न दे, इसके लिए मैं इसको ऑफ रखूंगा। मैं F8 की प्रेस करता हूँ। Not when playing. फिर से प्रेस करता हूँ। Record monitor off. Record monitor off. या यहाँ पे मैं F7 की प्रेस करूँगा। Armed. Armed हो चुका है। आपको याद होगा मैंने F7 की क्यों प्रेस किया है? रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम आगे एडिटिंग सीख सकें। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें यहाँ पे R प्रेस करना होगा, है ना? R फॉर रीपर। सो मैं यहाँ पे जैसे ही R प्रेस करूँगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित। हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीपर। सो टुडे वी विल नो दैट हाउ टू एडिट एनी ऑडियो इन रीपर। अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूंगा। Select files to save or delete dialog prompt to save slash delete slash rename new files save all button. ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए मैंने स्पेस की प्रेस किया। अब यहाँ पे आ रहा सेव ऑल बटन। ये सारे ऑप्शंस आप इससे परिचित हैं क्योंकि रीपर के पार्ट 3 में मैंने आप सबको रिकॉर्डिंग करना सिखाया था, है ना? सो मैं बार बार उन ऑप्शंस को डिटेल में नहीं दोहराऊंगा। तो यहाँ पे सेव वाला, यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ। स्टॉप। यहाँ पे एक बार W की प्रेस करता हूँ और अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। एक बार हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। प्ले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित। हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीपर। सो टुडे वी विल नो दैट हाउ टू एडिट एनी ऑडियो इन रीपर। अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूंगा। अब मैं आप सबको सिखाता हूं कि ऑडियो को हमें कट कैसे करना है, है ना? एडिटिंग में सबसे पहली चीज़ हम यही सीखेंगे कि ऑडियो को डिफरेंट डिफरेंट जगह से कैसे हम कट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए इस ऑडियो का जो शुरू का हिस्सा है वो हम कैसे कट करेंगे, इस ऑडियो में जो बीच का हिस्सा है वो हम कैसे कट करेंगे और इस ऑडियो का जो एंड का हिस्सा है यानी जो लास्ट जो पार्ट है उसको हम कैसे कट करेंगे, ठीक है? सो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं और आज चूंकि हम बेसिक एडिटिंग सीख रहे हैं तो हम बहुत एडवांस चीज़ें नहीं जानेंगे। जो बेसिक एडिटिंग होगी, जो बेसिक एडिटिंग होती है, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, आइए मैं आपको एक बार ऑडियो फिर से प्ले करके सुनाता हूँ। प्ले। हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप। मैं स्पेस की से इसको स्टॉप और प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं हेलो फ्रेंड्स को हटाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो हम ऐसे सिचुएशन में हम स्प्लिट फीचर जो है उसका यूज करते हैं। आप सबको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आप सबको दो शॉर्टकट कीज बताई थी, एक ए और एक एस। इन दोनों कीज से हम ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हैं। यानी स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ,
कि हम ऑडियो को, किसी भी ऑडियो को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक ही ऑडियो है ना। अच्छा, इस ऑडियो को एक बार हम देख भी लेते हैं ताकि आपको एक बार कंफर्म हो जाए। मैं एक बार डाउन एरो प्रेस करता हूँ। वन आर्म रिकॉर्डिंग वन आइटम। सबसे पहले चूंकि ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हम कर चुके हैं, अब रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार मैं F7 की प्रेस करूंगा तो अनआर्म्ड हो जाएगा। Unarmed. अब मैं डाउन प्रेस करता हूँ। वन रिकॉर्डिंग वन आइटम। वन रिकॉर्डिंग वन आइटम, रिकॉर्डिंग जो है ट्रैक का नाम है और वन जो बोल रहा है यानी ट्रैक नंबर वन है ये, और वन आइटम मतलब एक रिकॉर्डिंग इस ट्रैक पे मैंने कर दी है, ठीक है, एक ऑडियो इस पे अवेलेबल है। इसको हम कंट्रोल राइट एरो से भी चेक कर सकते हैं। 101 recording 241,060158.wav, ठीक है, ये आइटम है इसमें। सो बेसिकली अब मैं हेलो जो है, हेलो फ्रेंड्स, इसको हटाना चाहता हूँ, तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। प्ले। हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप। अब हमें करना क्या है, जहाँ पे हेलो फ्रेंड्स कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हम इस ऑडियो को पॉज कर देंगे। कैसे? कंट्रोल स्पेस से। तो मैं स्पेस से ऑडियो को प्ले करता हूँ। प्ले। हेलो फ्रेंड्स, पॉज। मैंने इस ऑडियो को पॉज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आइटम को स्प्लिट करूंगा, यानी इस ऑडियो को स्प्लिट करूंगा। मैं एक बार ए प्रेस करता हूँ स्प्लिट करने के लिए। वन आइटम एडेड, इसने बोला वन आइटम एडेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दो आइटम हो चुके हैं, यानी ऑडियो दो हिस्से में बट चुका है। मैं एक बार कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करता हूँ। 201 recording 241,000. एक बार फिर से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करता हूँ। 101 recording 241. है ना, 10 से है और 20 से है, यानी दो अलग अलग पार्ट जो है इस ऑडियो के बन चुके हैं सेम ट्रैक पे, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ट्रैक सेम है, ट्रैक अलग अलग नहीं बना है, एक ही ऑडियो पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो जो सेकंड पार्ट है, एक बार मैं उसको प्ले करके दिखाता हूँ। 201 recording play. This is Amit. Stop. Play. This is Amit. Stop. अच्छा, हेलो फ्रेंड्स का थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें रह गया है, तो चलिए उसको भी हम हटा लेंगे। पहले तो मैं पहला पार्ट आपको सुनाता हूँ इस ऑडियो का, जो हमने स्प्लिट किया है, जो अलग किया है हमने। तो मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करता हूँ। 101 recording play. हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप। ठीक है, ये पहला ऑडियो है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा, यानी मुझे हेलो फ्रेंड्स को डिलीट करना था ना, हेलो फ्रेंड्स को हटाना था। तो मैं एक बार यहाँ पे डिलीट की प्रेस करूंगा। इस बात का ध्यान रखना है कि डिलीट करते टाइम हम इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे कि आइटम वही सेलेक्टेड हो जो हमें डिलीट करना है ना। यानी इस ऑडियो में जैसे दो पार्ट हैं, तो जो पार्ट हमें डिलीट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वही सेलेक्टेड हो, दूसरा आइटम सेलेक्टेड ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ। वन आइटम रिमूव्ड। वन आइटम रिमूव्ड। अब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ। प्ले। This is Amit. Stop. आपने देखा कि जो हेलो फ्रेंड्स है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, और दिस इज अमित से ये शुरू हो रहा है, और हेलो फ्रेंड्स का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है रह गया है, जो कि आप स्पष्ट सुन पा रहे होंगे, है ना, दिस इज अमित से पहले जो आ रहा है, ठीक है, उसको भी हम हटा लेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हम ऑडियो को प्ले कर रहे हैं तो देर में ऑडियो प्ले हो रही है, जिससे कि क्या समझ में आ रहा है
कि जो हेलो फ्रेंड्स था वो डिलीट तो हो चुका है, लेकिन हेलो फ्रेंड्स का जो गैप था, जितने देर में मैंने हेलो फ्रेंड्स बोला था, वो गैप नहीं भरा है। यानी वो उतना गैप शुरू में है, ठीक है, जितने देर में मैंने हेलो फ्रेंड्स बोला था और जितना टाइम उसमें मैंने लिया था, वो गैप इसमें है ना, वो स्पेस ऑडियो में है। यानी ऑडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम नहीं हुआ है ना, जो ऑडियो की टाइमिंग है वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ ऑडियो में से वो हिस्सा डिलीट हो गया है, हेलो फ्रेंड्स सिर्फ वो डिलीट हो गया है, लेकिन ऑडियो का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो उतनी देर की ही है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पार्ट जो है हेलो फ्रेंड्स, ये डिलीट तो हो जाए, लेकिन साथ ही साथ जो है ये जो ऑडियो की टाइमिंग है वो भी कम हो जाए। यानी हेलो फ्रेंड्स में जो खाली जगह जो आ रहा है वो खाली जगह ना आए, डायरेक्टली हमारा ऑडियो यहीं से शुरू हो, दिस इज अमित, ठीक है, यहीं से हमारा ऑडियो शुरू हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले मैं एक बार अंडू करता हूँ ताकि जो हमारा डिलीटेड आइटम है वो वापस आ जाए, है ना, और फिर से हम करेंगे अंडू डिलीट आइटम्स, अंडू डिलीट आइटम, मैं एक बार फिर से अंडू करता हूँ, अंडू चेंज आइटम सिलेक्शन, है ना। अब जैसे पहले हमारा ऑडियो था वैसे एकदम एक ऑडियो वो वापस आ चुका है ना, कंट्रोल जेड की प्रेस किया था मैंने अंडू के लिए। अब मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करता हूँ, वन रिकॉर्डिंग टू आइटम्स पेन, अच्छा ठीक है, अभी भी टू आइटम शो हो रहा है, तो एक बार मैं फिर से अंडू करूंगा, अंडू चेंज आइटम सिलेक्शन, अब एक बार मैं फिर से डाउन एरो करता हूँ, वन रिकॉर्डिंग टू आइटम्स, अंडू चेंज आइटम, अंडू कस्टम सिलेक्ट एंड स्प्लिट आइटम अंडर एडिटर प्ले कर्सर, वन रिकॉर्डिंग वन आइटम, ठीक है। मैंने दो तीन बार जो है जब अंडू किया तो जो ऑडियो का जो सिचुएशन था शुरू में, स्टार्टिंग में, है ना, एक सिंगल ऑडियो था जो बाद में हमने स्प्लिट करके दो बना दिया था, तो वो नहीं है। अब स्टार्टिंग में जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया था एकदम एज इट इज वैसा ही आ चुका है, ठीक है। अब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ, प्ले, हेलो फ्रेंड्स दिस इज अमित, स्टॉप, ठीक है। अब फिर से हम जो है वहाँ पे पॉज करेंगे जहाँ से हमें ऑडियो चाहिए, मतलब शुरू में हेलो फ्रेंड्स के बाद जो है हम ऑडियो को पॉज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और हम मेंशन करना चाहेंगे। दरअसल देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑडियो को प्ले करके और जहाँ से हमें आइटम को स्प्लिट करना है, अलग करना है, वहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो नेविगेशन कीज बताए थे, मैं चाहूँ तो उन नेविगेशन कीज के थ्रू भी वहाँ तक जाके और आइटम को स्प्लिट कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं एक बार ठीक है पेज डाउन की प्रेस करता हूँ, बार टू में मेरा कर्सर आ चुका है, मैं एक बार स्पेस की प्रेस करता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार मैं फिर से पेज डाउन की प्रेस करता हूँ, बार थ्री, अमित, स्टॉप, अमित, स्टॉप। तो आपने देखा कि दिस इज अमित का सिर्फ अमित आया है, यहाँ से ऑडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। आप एक बार फिर से सुनेंगे, मैं स्पेस की से प्ले कर रहा हूँ, अमित हाउ आर यू ऑल, ठीक है। अब मैं थोड़ा, क्योंकि दिस इज अमित जो है मुझे रखना है, दिस इज जो है ये पीछे छूट गया है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करूंगा, और ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किससे क्या होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे कौन सा की यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप की प्रेस करूँगा, दिस इज अमित, स्टॉप, ठीक है, दिस इज अमित, स्टॉप, हेलो फ्रेंड्स जो है इससे पहले है, और दिस इज अमित, यहाँ पे मेरा कर्सर आ चुका है, दिस जहाँ से मुझे आइटम को स्प्लिट करना है, अलग करना है, वहाँ पे मेरा कर्सर ऑलरेडी है, ठीक है। तो दिस इज अमित, स्टॉप। अब यहाँ पे एक कमांड में यूज करूंगा,
यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आइटम को स्प्लिट करूँ और डिलीट करूँ उससे पहले एक कमांड मैं यूज़ करूँगा, वो है ऑल्ट शिफ्ट एंड पी। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट को हम प्रेस करके रखेंगे, है ना, दबा के रखेंगे और साथ में पी फॉर पैरेट प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन मोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं ऑल्ट शिफ्ट मैंने दबा के रखा, मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, रिपल पर ट्रैक, यहाँ पे फिर से सेम कमांड यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट पी, रिपल ऑल ट्रैक्स, रिपल ऑल ट्रैक्स फिर से कर रहा हूँ प्रेस, रिपल ऑफ, रिपल ऑफ, ये जो है बाय डिफॉल्ट रिपल ऑफ पे ही कर्सर रहता है हमारा, यानी बाय डिफॉल्ट जो है ये मोड जो है रिपल ऑफ होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रिपल पल ट्रैक करना है। ठीक है, अब क्यों करना है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑल शिफ्ट पी कर रहा हूँ, रिपल पर ट्रैक, रिपल पल ट्रैक, सॉरी पर ट्रैक, रिपल पर ट्रैक ये मोड आ चुका है। अब मैं आपको एक बार स्पेस करके प्ले करके सुना देता हूँ, दिस इज अमित। ठीक है, दिस इज अमित से पहले हेलो अमित है। ठीक है, अब मैं इस आइटम को स्प्लिट करूंगा यानी अलग करूंगा। ठीक है, मैं एक बार ए प्रेस करता हूँ, वन आइटम एडेड। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट एरो करूंगा ताकि दोनों अलग अलग आइटम जो है शो हो, दो पार्ट में ऑडियो चूंकि डिवाइड हो चुका है पहले की तरह, मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो करता हूँ, 201 recording 241. ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एरो फिर से, 101 recording 200. ठीक है, तो ये दो आइटम यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं एक बार कंट्रोल राइट एरो करता हूँ, 201 record. यहाँ पे स्पेस करता हूँ, दिस इज अमित, स्टॉप, कंट्रोल लेफ्ट एरो करता हूँ, 101 स्पेस करता हूँ, प्ले, हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स जो है इसमें है, तो मैं यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये आइटम मुझे नहीं चाहिए इसलिए इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे एक अंतर आप देखेंगे, जो पहले हमने आइटम डिलीट किया था और जो अब हम आइटम डिलीट करेंगे इसमें क्या अंतर है। ठीक है, एक बार मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ, वन आइटम रिमूव्ड। ठीक है, अब मैं स्पेस की करता हूँ प्रेस, दिस इज अमित, हाउ आर यू, एक बार आपको कंफर्म करने के लिए मैं ट्रैक के बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ, मैं W प्रेस करता हूँ या कंट्रोल होम भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे अब मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, दिस इज अमित, हाउ आर, स्टॉप, यानी हम ये देख रहे हैं कि हेलो अमित, सॉरी हेलो फ्रेंड्स जो था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स रिमूव हो चुका है। अब क्या हुआ है कि दिस इज अमित से आपको ये ऑडियो सुनाई दे रहा है। इसमें एक अंतर ये है कि पहले क्या था कि पहले भी हेलो फ्रेंड्स डिलीट हुआ था, बट उसमें जो उसका गैप था वो नहीं हटा था, है ना। शुरू में आप सुन रहे थे कि दिस इज अमित से पहले बहुत सारा गैप था, उसके बाद फिर प्ले हो रहा था दिस इज अमित। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स डिलीट हो चुका था लेकिन उसका गैप जो है कम नहीं हुआ था, वो गैप ऑलरेडी था, वहाँ पे साइलेंस लगा हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ऑडियो का पार्ट डिलीट हो जाए, है ना, और वो गैप जो है वो भी हट जाए, यानी ऑडियो का जो ऑडियो की जो टाइमिंग है ना, वो भी उसके हिसाब से कम होता जाए और जो गैप है वो गैप भी ख़त्म होता जाए, है ना, जो ऑडियो के जो गैप्स हैं वो गैप भी ख़त्म होते जाएं, तो उसके लिए आपको ऑल्ट शिफ्ट पी से रिपल पर ट्रैक पे करना है ना, ये एक मोड होता है और उसके बाद ही किसी आइटम को डिलीट करेंगे, तो आप जो है इस प्रकार जो है ऑडियो को रिमूव कर पाएंगे, यानी किसी भी पार्ट को ऑडियो में से रिमूव कर पाएंगे इस प्रकार से। और यदि आप चाहते हैं कि वो पार्ट जो है एज इट इज़ रहे वहाँ पे, है ना, मतलब वो पार्ट डिलीट हो जाए लेकिन उसका जो गैप है ना, वो जितने देर में बोला गया है वो गैप ख़त्म ना हो, ठीक है, तब जो है आप रिपल ऑफ रखेंगे, है ना, ऑल शिफ्ट पी से, तीन मोड मैंने आपको दिखाए थे, तो रिपल ऑफ रखना है अगर आप चाहते हैं कि वो गैप
ख़त्म ना हो। अगर आप चाहते हैं कि गैप ख़त्म हो जाए तो आपको रिपल पर ट्रैक इस पे आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद भी किसी ऑडियो को जो है किसी ऑडियो में से किसी पार्ट को रिमूव करेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपर ऑन करेंगे बार बार ये मोड आपको अपने हिसाब से चेंज करना होगा, जैसी आपकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ और पार्ट को हम रिमूव करते हैं। सो दिस इज अमित, हाउ आर यू ऑल, स्टॉप। दिस इज अमित के बाद हाउ आर यू ऑल है, हम बीच वाला पार्ट जो है हटाते हैं, ठीक है। हाउ आर यू ऑल, तो एक बार मैं फिर से ऑल शिफ्ट पी करता हूँ। और यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था वो चीज़ मैं शो कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ऑल शिफ्ट पी करता हूँ मैं, रिपल ऑल ट्रैक्स, फिर से करता हूँ ऑल शिफ्ट पी, रिपल ऑफ, रिपल ऑफ हो चुका है। अब एक बार मैं फिर से ऑडियो को प्ले करता हूँ। दिस इज अमित, हाउ आर यू ऑल, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हमें यहाँ से सिर्फ क्या करना है, हाउ आर यू ऑल को हटाना है, यही बीच का पार्ट है ऑडियो में, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। दिस इज अमित के बाद जो है मैं ऑडियो को पॉज कर दूंगा, ठीक है। दिस इज अमित, पॉज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आइटम को स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो की हैं, या तो आप ए प्रेस कर सकते हैं या एस, एस फॉर सन, कोई भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एस प्रेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों की यूज़ करेंगे ना, तो आप अपने सहूलियत के अनुसार कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ए या तो एस, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों अलग अलग कमांड के लिए है, ये दोनों कीस एक सेम कमांड के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एस की प्रेस कर रहा हूँ। वन आइटम एडेड, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, 101 recording 241, ठीक है। कंट्रोल राइट एरो कर रहा हूँ, 201 recording, ये सेकंड आइटम है। यहाँ पे मैं स्पेस की कर रहा हूँ, प्ले, हाउ आर यू ऑल, स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हम बीच में से किसी आइटम को यानी किसी पार्ट को हटा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जो है दिस इज अमित के बाद मैंने पॉज किया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हाउ आर यू ऑल मुझे हटाना है ना, तो अब सेकंड जो दो आइटम जो है डिवाइड हो गए हैं, मतलब इस ऑडियो के दो पार्ट बन गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल राइट और सेकंड पार्ट पे आ चुका हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे हाउ आर यू ऑल को हटाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, प्ले, हाउ आर यू ऑल, ठीक है। अब जो अब मैं जब दोबारा प्ले करूँगा तो हाउ आर यू ऑल के बाद ऑडियो को पॉज कर दूंगा, ठीक है। प्ले, हाउ आर यू ऑल, पॉज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आइटम को स्प्लिट करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या किया है, बीच में से हम आइटम को रिमूव कर रहे हैं यानी एक पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं आपको बाद में अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे करें, मैंने कैसे किया है। यहाँ पे मैं एस की प्रेस कर रहा हूँ। अब इस ऑडियो के तीन पार्ट बन चुके हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कौन कौन से। मैं एक बार कंट्रोल लेफ्ट एरो करता हूँ, 301 recording 200, ये थर्ड पार्ट है, कंट्रोल लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, 201 recording, ठीक है। सेकंड पार्ट है, कंट्रोल लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, 101 recording, ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ पहले, तो दिस इज अमित, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ। कंट्रोल राइट एरो करता हूँ, 201 recording 200 play, हाउ आर यू ऑल, स्टॉप, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है जो कि हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल राइट एरो करता हूँ, 301 recording play, टुडे वी आर टॉकिंग, ठीक है। ये लास्ट का हिस्सा है जो कि हमें रखना है, यानी फर्स्ट और लास्ट का हिस्सा हमें रखना है, ठीक है। और बीच का हिस्सा हमें डिलीट करना है। अब मैं आपको एक बार फिर से ओरली एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे स्प्लिट लगाया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एस या ए प्रेस किया है स्प्लिट करने के लिए आइटम को।
तो देखिए, पहले दिस इज अमित, दिस इज अमित के बाद मैंने इसको पॉज किया ऑडियो को, और वहाँ पे मैंने स्प्लिट किया आइटम को, है ना, स्पेस किया। मैं बार बार कहूँगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैं कहीं पे ए और कहीं पे एस बोलूँगा, यानी आइटम को हम स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम की है, दोनों सेम कमांड है। सो जब दिस इज अमित मैंने बोला, है ना, मतलब जहाँ पे दिस इज अमित कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे पॉज करके एक तो स्प्लिट वहाँ पे लगाया, एस प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद फिर जब ऑडियो को प्ले किया, हाउ आर यू ऑल, ये जैसे ही लाइन ख़त्म हुई यहाँ पे भी मैंने ऑडियो को पॉज किया और दूसरा स्प्लिट मैंने यहाँ पे लगाया, यानी हमें जहाँ से लेकर और जहाँ तक हमें इस पार्ट को हटाना है ना, वहाँ वहाँ पे हम स्प्लिट लगाएंगे, है ना, एस प्रेस करेंगे या ए प्रेस करेंगे, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ पे लगाएंगे स्प्लिट, जहाँ से हमें ऑडियो को हटाना है ना, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे स्प्लिट लगाएंगे, और जहाँ तक करना है वहाँ पे हम स्प्लिट लगाएंगे, ये दो जगह करेंगे। एग्जांपल के लिए हम बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम लेफ़्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हमें लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट जो है प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे हमें दोनों बार जो है या तो एस या तो ए, दोनों में से कोई की प्रेस करना है, क्योंकि दोनों सेम कमांड के लिए की है ना। तो एग्जांपल के लिए हम अभी एस ले लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हमें ऑडियो को हटाना है, यानी जहाँ से शुरुआत करनी है ऑडियो को हटाने की, है ना, वहाँ पे एस प्रेस करेंगे, और जहाँ तक हमें ऑडियो को हटाना है वहाँ पे भी हम एस प्रेस करेंगे, है ना। जैसे हम अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं कि हम स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आइटम को स्प्लिट करते हैं। सेम चीज़, बहस एक टर्म अलग यूज़ किया गया है ना, और वहाँ पे दो अलग अलग मार्कर होते हैं, बट यहाँ पे इस आइटम को सिर्फ स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन तरीका सेम है, तरीका अलग नहीं है। इतना मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़ कहीं नहीं होना है, ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया था कि मुझे सेकेंड पार्ट हटाना है, कौन सा, 201 recording two. ये कंट्रोल लेफ्ट एरो से यहाँ पे मैं आया। अब मैं यहाँ पे स्पेस करके एक बार सुना देता हूँ। प्ले, हाउ आर यू ऑल, स्टॉप, हाउ आर यू ऑल, इसको हटाना है, तो यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ। वन आइटम रिमूव्ड, अब यहाँ पे मैं W प्रेस करता हूँ, ठीक है, बीट 10%, है ना, हम आइटम के बिल्कुल स्टार्ट में आ चुके हैं, ऑडियो के स्टार्ट में आ चुके हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, दिस इज अमित, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, स्टॉप, ठीक है, दिस इज अमित के बाद हाउ आर यू ऑल जो था वो रिमूव हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से ध्यान देंगे कि रिमूव तो हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, वो गैप जो है जो जितने देर में वो बोला गया था वो गैप वहाँ पे मौजूद है ना, वो जगह वहाँ से मतलब हटा नहीं है, ऑडियो की टाइमिंग कम नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसे डिलीट करके दिखाऊंगा। एक बार मैं अंडू की प्रेस करता हूँ, अंडू डिलीट आइटम। अब मैं एक बार ठीक है ऑल शिफ्ट पी करता हूँ, रिपल पर ट्रैक, तो यहाँ पे मैं फिर से सेकेंड आइटम पे आता हूँ, 101201 recording two, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइटम को अभी मैंने डिलीट करने के बाद जो है वापस से अंडू कर लिया है, आइटम को वापस बुला लिया है, और यहाँ पे मैंने ऑल शिफ्ट पी किया रिपर पल ट्रैक करने के लिए। अब आप इसका यूज़ देखेंगे। सो अब मैं सेकेंड पार्ट को डिलीट करूँगा,
1201. सेकेंड पार्ट पे मेरा कर्सर यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करूंगा. One item removed. अब यहाँ पे मैं फिर से W की प्रेस कर रहा हूँ. Beat 10%. ठीक है, W की प्रेस कर दिया मैंने. अब यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ. This is Amit. Today we are talking about. Stop. है ना, अब देखेंगे कि वो जो गैप था वो गैप खत्म हो चुका है. How are you all का जो गैप था वो गैप खत्म हो चुका है. इससे पहले आपने देखा जब रिपल ऑफ था तो डिलीट तो हो गया था आइटम, बट जितने जगह में वो बोला गया था उतने देर में साइलेंस लग गया था, है ना, वो जगह रह गई थी. तो ये हमने बीच से आइटम को डिलीट किया है. ठीक है, अब इस तरीके से हम देखते हैं लास्ट का कोई कुछ आइटम डिलीट करते हैं. इसी ऑडियो में हम लास्ट का कोई पार्ट डिलीट करते हैं. ठीक है, दिस इज अमित. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीपर. सो टुडे वी विल नो दैट हाउ टू एडिट एनी ऑडियो इन रीपर. अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूंगा. स्टॉप. ठीक है, ये जो मैंने लास्ट में बोला है कि अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूंगा, हम इस लास्ट वाले लाइन को हटाना चाहते हैं. ठीक है, तो एक बार मैं कंट्रोल एंड से इस ऑडियो के एंड में आ जाता हूँ. बार 13 बी 248%. ठीक है, अब यहाँ पे एक बार, ठीक है, मैं पेज अप प्रेस करता हूँ. बार 12, बार 11, बार 10, प्ले. अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूँगा. स्टॉप. ठीक है, यहाँ से ये मुझे आइटम हटाना है, यानी ये पार्ट जो है इस ऑडियो का मुझे हटाना है. सो एक बार मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ. प्ले. अब मैं स्टॉप करने. स्टॉप. ठीक है, एंड में आने के लिए मैंने कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस किया और पेज अप से थोड़ा सा ऑडियो में पीछे की ओर आ गया, ताकि जहाँ से मुझे आइटम को डिलीट करना है मैं वहाँ पे कर्सर अपना ले आया. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए प्रेस करता हूँ. One item added. अब दो आइटम कौन कौन से हैं एक बार मैं देख लेता हूँ. 201 recording 204 301 अच्छा, तीन आइटम हैं, क्योंकि पहले भी हमने आइटम को स्प्लिट किया था तो वो भी है ना. यानी जब हमने पहले आइटम को स्प्लिट किया था जिसमें से हमने सेकंड पार्ट डिलीट किया था, है ना, आपको याद होगा. सो अब चूंकि दो आइटम पहले से थे एक डिलीट करने के बाद, अब हमने एक और आइटम स्प्लिट कर दिया है, अब तीन आइटम बन चुके हैं. एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कौन कौन से. 20101 recording 101. कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैं आ गया वन पे. यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ. दिस इज अमित. स्टॉप. ठीक है, सेकेंड आइटम पे आते हैं. 201 recording कंट्रोल लेफ्ट एरो से यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ. प्ले. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट. स्टॉप. ठीक है, अब जो है हम थर्ड आइटम पे आते हैं. कंट्रोल राइट एरो करता हूँ मैं. 301 recording 241. ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ. प्ले. अब मैं स्टॉप करने के लिए स्पेस की प्रेस करूँगा. स्टॉप. मुझे ये आइटम डिलीट करना था. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है स्प्लिट लगा दिया है ना, और चूंकि यहाँ पे हम एक ही बार स्प्लिट लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे कोई आइटम है नहीं, है ना, कोई पार्ट है नहीं, तो एक ही बार हम स्प्लिट लगाएंगे, है ना. बीच में जैसे कि हमने देखा कि जहाँ से लेके और जहाँ तक करना था हमने दो जगह स्प्लिट लगाया था, एक तो जहाँ से स्टार्ट करना था और एक जहाँ तक करना था. ठीक है, लेकिन ऑडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में ऐसा नहीं होता है. स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, कि जहाँ से करना होता है यानी स्टार्टिंग से करना होता है, क्योंकि ऑडियो जो है स्टार्टिंग से प्ले होती है, तो और जहाँ तक करना होता है, ठीक, सिर्फ हम वहाँ पे स्प्लिट लगाते हैं, यानी जहाँ से करना होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो जहाँ तक करना है वहाँ पे हम स्प्लिट लगाते हैं, ताकि जो है हमारा ऑडियो वहाँ से एक अलग पार्ट बन जाए ऑडियो का. ठीक है, सो अब मेरा कर्सर जो है थर्ड आइटम पे है. 301 recording 2. ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ.
One item removed. ठीक है, अब यहाँ पे मैं W की प्रेस करता हूँ. Bar 1 beat 10%. ठीक है, अब देखेंगे कि जो लास्ट का जो पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे अब नहीं है. मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ. दिस इज अमित. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीपर. सो टुडे वी विल नो दैट हाउ टू एडिट एनी ऑडियो इन रीपर. ठीक है, इतनी रिकॉर्डिंग थी. जो लास्ट का जो पार्ट था, मैंने बोला था कि इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, वो रिमूव हो चुका है ना. तो ये कुछ बेसिक ऑडियो एडिटिंग के अंतर्गत आने वाले कुछ तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑडियो एडिटिंग में. होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना. अगर कोई इशू हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं. और कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो दे सकते हैं. जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया था कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, जिस पे आप सजेशंस देते हैं. यहाँ पर भी वो नंबर मैं दोहरा देता हूँ जाने से पहले. सो वो मेरा नंबर है 9355133967. मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967, है ना. तो आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये तरीका थोड़ा सा नया हो, क्योंकि आमतौर पे हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में हम आइटम को स्प्लिट नहीं करते हैं. आइटम में हम स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर लगाते हैं, बट यहाँ पे हम आइटम को स्प्लिट करके हम आइटम को रिमूव करते हैं, है ना. तो कई लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, और हो सकता है कि कई लोग शायद समझ ना पाए हों. यदि ऐसी कोई बात हो तो बेझिझक आप मुझे संपर्क करें. मिलते हैं किसी और वीडियो में. सो फ्रेंड्स, रीपर के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में. तब तक के लिए नमस्कार.